चलिए, तो इस इन एग्जांपल्स को आप ध्यान रखेंगे। और मैंने बोला कि सबसे सिंपलेस्ट तरीका लगता है आपको कॉम्प्लेक्स, पर आपको बताएंगे कि क्रैमर रूल कहाँ पे फेल हो जाता है, और क्रैमर रूल से आपके क्वेश्चन जो आए हुए बिल्कुल नहीं लगेंगे, इसलिए वो आपका बिल्कुल क्या है धोखेबाज साथी है, समझे कि नहीं। तो इसलिए आपको लग रहा होगा नहीं ये हमें क्या करना है, क्रैमर रूल बता तो दिया था इन्होंने, केवल आपको यही बता पाएगा कि इसके सोल्यूशन यूनिक है या नहीं है, ठीक, वहाँ तक ही बस हो जा पाता है। उसके बाद सबसे अच्छा मेथड यही है, इन्वर्स से भी हम लोग सिस्टम और लीनियर इक्वेशन निकालते हैं, पर थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप फुल प्रूफ, रैंक का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस है, रैंक के क्वेश्चन आते भी हैं, तो रैंक का इंपॉर्टेंस कहाँ पर, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब हम जो हमने पीछे अभी अभी जो कंक्लूड किया था, जो हमने एग्जाम्पल के साथ जो लिया था, उसी को हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे ले जा रहे हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल्स को और सिचुएशन को याद रखे हुए कि नहीं याद रखे हुए, ठीक है। अब सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैंक मेथड से कैसे निकालेंगे। तो हमने पूरा काम अपना रॉ जो काम था वो पूरा कर चुके हैं, कंक्लूजन निकालना है। सोल्यूशन आपको बताए गए थे तीन तरीके के होते हैं, नहीं बताए गए, बोलिए कौन कौन से। हाँ, सोल्यूशन होना, सोल्यूशन तो सोल्यूशन दो तरीके से हो सकते हैं, वेदर यूनिक और या मैनी, मैनी इनफाइनाइट सोल्यूशन बोले, मैनी सोल्यूशन, ठीक है। और सिस्टम के नो सोल्यूशन भी हो सकते हैं, ठीक है। सिस्टम के क्या हो सकते हैं, ऐसे सिस्टम भी हो सकते हैं नो सोल्यूशन। तो सोल्यूशन होना और सोल्यूशन ना होना, ठीक है। सोल्यूशन होने का मतलब है, होने का मतलब है कंसिस्टेंट, और ना होने का मतलब इन है, अच्छा नो कंसिस्टेंट, हाँ इनकंसिस्टेंट, ठीक है। हाँ, तो यूनिक और मैनी सोल्यूशन, कंसिस्टेंट है सोल्यूशन होना, नो सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि अगर रैंक ऑफ सी मतलब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक रैंक ऑफ ए के बराबर है, मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है, क्या है सिस्टम, इतना पता होने से सिस्टम कंसिस्टेंट है, ये ध्यान रखें, ठीक है। मतलब उसके सोल्यूशन है, यानी इस बात को हम लोग इससे मैच करा रहे हैं कि जब भी रैंक ऑफ सी रैंक ऑफ ए के बराबर होगी तो सोल्यूशन पॉसिबल है, सोल्यूशन निकल के आएंगे, ठीक। फर्दर अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, एक सिचुएशन होगी कि रैंक ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ अननोन्स दैट इज एक्स वाई जेड, यानी कि तीन, अगर 3x3 के ले रहे तो 3, ठीक है। मतलब ऐसा होना चाहिए एग्जांपल में यहाँ पर कि रैंक ऑफ ए निकाला, वो आया बराबर रैंक ऑफ सी के, और वो आया 3, तो यहाँ पर ये चीज़ इससे मैच करेगी, इससे मैच करेगी यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन कब आएंगे, जब रैंक ऑफ सी रैंक ऑफ ए के बराबर हो, उसके साथ साथ नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हो। तो जो एग्जांपल लिए गए थे उसमें से पहला और चौथा एग्जांपल इस चीज़ का था कि नहीं था, बोलिए गलत हूँ मैं या सही हूँ, बताइए भाई, पहला चौथा एग्जांपल इसी को था कि नहीं, बोलिए है नहीं था। यहाँ पर पहला चौथा पांचवा छठा नहीं था, बोलिए हाँ गलत, नहीं गलत हूँ मैं, नहीं ऐसा नहीं है क्या, बोलो भाई। अब रैंक ऑफ ए सी बराबर क्या, रैंक ऑफ ए, ठीक है, और लेस देन क्या हो, नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है, ठीक है। तो एग्जांपल पहला और चौथा यहाँ चला गया, और पांचवा छठा, पांचवे छठे में ये फॉलो हो रहा था कि नहीं, ठीक है। ये किससे, मैनी सॉल्यूशंस, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, मैनी सोल्यूशन, सोल्यूशन आएंगे बट सोल्यूशन कैसे होंगे, मैनी सोल्यूशन। तो पांचवें और छठे टाइप की सिचुएशन जो बनती है
उसमें आप सोल्यूशन निकलेंगे, बट मैनी सोल्यूशन है, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक, पहले और चौथे में सोल्यूशन क्या आएंगे, यूनिक, क्या आएंगे, यूनिक, पर दोनों तरीके के, मतलब चार एग्जाम्पल्स ऐसे थे जहाँ पर सोल्यूशन निकल के आ रहे कंसिस्टेंट था, क्या था, कंसिस्टेंट। अब जो बचे हुए एग्जाम्पल कौन से, दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा, वहाँ पर क्या था, रैंक ऑफ सी जब भी रैंक ऑफ ए के बराबर नहीं होगी, कुछ भी हो पर बराबर ना हो तो क्या हो जाएगा, इन कंसिस्टेंट। इसका ये मतलब होता है नो सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर टू और थ्री, ये सारे एग्जाम्पल दो हमने दिए थे, उन दो एग्जाम्पल को आप देखिए, वॉच करिए, उन सिचुएशन को देखिए, ये इनकंसिस्टेंट है। ये चार्ट और वो एग्जाम्पल्स अगर हमेशा भी याद रखते हैं तो आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अदरवाइज आप थ्योरी पढ़ेंगे तो बहुत सारी है, ठीक। कैसे याद रखा ये सारे एग्जाम्पल्स, मुझे कैसे याद था मतलब ये। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन आया तो इस सिस्टम और लीनियर इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर कोफिशेंट में अननोन रखा गया है, टाउ, जैसे लैम्डा रखते हैं, टाउ रखते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में क्रैमर रूल से अच्छा है कि आप रैंक मेथड लगाएं, ठीक है। यहाँ पर और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि लैम्डा की वैल्यू बताइए, लैम्डा और न्यू की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो हम लोग आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स से ये में बेसिकली हमारा काम है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो एक्स बराबर बी लिख सकते हैं, पर उससे कोई मतलब नहीं है। होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस, बोलो, नॉन होमोजीनियस है तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हमने ले ली 1 1 1 colon 6, 4 टाउ माइनस टाउ और 0, यहाँ पर 3 2 माइनस 4 और माइनस 8, ठीक है। ये हमने टाउ लिया है, कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो आप, ठीक है, टा इसे ये सिंबल, नहीं नहीं ऐसे कॉन्स्टेंट ले लिया, ए बी सी ले लिया ऐसे ही, लैम्डा न्यू टाउ, ठीक है, ए? क्या करें, कहाँ लैम्डा लिया, टाउ नहीं ऐसे बोलते टाउ, ठीक, प्लैंक कांस्टेंट, ये सब फिजिक्स में यूज होते थे ना, तो जो वहाँ के साइंटिस्ट रहे उन्होंने अपने जो नेटिव प्लेस रहा होगा जिस देश में, वहाँ पर ये लैंग्वेज, ठीक है, नॉर्मल होगी, हैं, ठीक, लैम्डा क्यों नहीं लेंगे, ठीक है। अरे वो एक कन्वर्सेशन अलग है, उससे कोई मतलब नहीं क्यों क्यों लिया गया, ठीक। हमें इसकी रैंक निकालनी, क्या निकालनी, तो हम लोग एलिमेंट टर्म फंक्शन लगाएं यहाँ पे, वही तो R2 में क्या, R2 माइनस 4R1 होगा कि नहीं, और R3 में R3 माइनस 3R1 होगा कि नहीं, तो यहाँ देखिए क्या चेंजेस आते हैं, यहाँ 1 1 1 6 आ जाएगा, 4 टाइम्स करेंगे हटाएंगे तो क्या आएगा, 0, यहाँ पर टाउ माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस टाउ माइनस 3 होगा कि नहीं, और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस, यहाँ गड़बड़ हो गया ना, मतलब इसी पे आए हैं ना, तो माइनस टाउ और हाँ माइनस 4 कोलन 4 टाइम्स, तो माइनस 24 हुआ, नहीं हुआ, अब देखो 3 टाइम्स कर रहे हैं तो 0, इसका 3 टाइम्स माइनस 1, इसका 3 टाइम्स माइनस 7, और इसका 3 टाइम्स 18, तो 26 हाँ 26 माइनस का, ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करें, हमें यहाँ 0 बनाना है बेसिकली ना, देखो R3 में R3 ये माइनस 1 है, तो हम यहाँ माइनस बना दें, तो जितना है वो हटा दें, मतलब 1 upon tau minus 4 इसमें कर दें, तो यहाँ 1 हो जाएगा, इससे इसका मल्टीप्लाई करें तो 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जब 1 आएगा तो जोड़ें या घटाएं, जोड़ दें, और किस में जोड़ करेंगे, R2 में करें, ओके। देखिए क्या आ जाएगा सिचुएशन, यहाँ 1 1 1 6 रहेगा, यहाँ यही रहेगा, 0 tau माइनस 4 माइनस
फोर प्लस टाउ और माइनस 24। अब जीरो से जीरो रहा, यहाँ देखो वन अपॉन टाउ माइनस फोर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वन आ जाएगा, वन से माइनस वन जुड़ा तो जीरो हो गया। यहाँ पे करेंगे माइनस एट आ जाएगा, नहीं माइनस टाउ माइनस फोर है ना, तो माइनस टाउ प्लस फोर तो हाँ तो माइनस के यहाँ ये हो जाएगा माइनस सेवन, और इसको इससे डिवाइड करो इससे, और प्लस कर रहे हैं तो माइनस माइनस टाउ प्लस फोर अपॉन टाउ माइनस फोर, यही तो होगा, बोलो इतना आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो माइनस सेवन माइनस टाउ प्लस फोर अपॉन टाउ माइनस, और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस 26 और जोड़ रहे हैं तो माइनस 24 अपॉन तो सॉल्यूशन ना हो, सॉल्यूशन ना हो, तो सॉल्यूशन ना होने के लिए इसको जीरो कर दें, क्या कर दें मतलब ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर जीरो 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 आ जाएगा, तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, दो आ जाएगी भाई, ये जीरो होने पर ये दो हो जाएगी और उसकी रैंक पूरे की तीन रहेगी, सॉल्यूशन है तो इसको जीरो कर दें, तो माइनस सेवन माइनस टाउ प्लस फोर अपॉन टाउ माइनस वन बराबर जीरो, उधर गया तो माइनस सेवन बराबर टाउ प्लस फोर टाउ माइनस फोर, इधर गया तो माइनस सेवन टाउ और प्लस 28 बराबर टाउ प्लस फोर, तो एट टाउ तो ये कितना आ जाएगा 24 टाउ बराबर, तो उसने का वैल्यू ऑफ टाउ बोला गया ना, ये तो बोला गया नहीं है, हाँ तो टाउ की वैल्यू क्या आ गई, समझ में आया, तुम लोग तो सोच रहे पता नहीं क्या हो रहा है अभी, ये सब इधर उधर कर रहे हैं, बाद में बोलेंगे कि अब लगा नहीं है, हाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, उसने बोला कि ये बोला गया था ना कि वैल्यू ऑफ टाउ, ये लिखा तो है इधर, फॉर विच द सिस्टम डज नॉट हैव सॉल्यूशन, तो सिस्टम के सॉल्यूशन नहीं है रखने, तो आपको बताना है कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और ये की रैंक बराबर नहीं करनी है, क्या नहीं करनी है, बराबर नहीं करनी है, ये तो होना चाहिए रैंक ऑफ, अरे तुम लोग ऐसे घूर रहे जैसे कि है कोई ट्रेन में जाते हैं और सीट ना दो तुम्हारी सीट पे बैठ गए हो, ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ है क्या, तो रैंक ऑफ सी और रैंक ऑफ ए बराबर नहीं है, ठीक, तो यार रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी बराबर तभी नहीं होगी जब देखो ये तो इक्विलेन फॉर्म में तभी जाएगा, और रैंक ऑफ सी बराबर रैंक ऑफ ए नहीं करनी, तो रैंक ऑफ ए अगर तीन रही, अगर ये जीरो नहीं हुआ जैसा दिख रहा है, तो देखिए इसकी रैंक तीन है, इसकी रैंक भी कितनी है, तीन है, तो रैंक ऑफ इसकी रैंक बराबर नहीं करनी ना, तो इसकी रैंक क्या तीन कर दीजिए, वो तभी होगी जब ये क्या कर दे जीरो, और इसको क्या कर दे नॉन जीरो, तो ये नॉन जीरो रहेगा, ये जीरो होगा तो ये रो जीरो हो जाएगी इसके लिए, इसके लिए ये रो ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरी रो जीरो हो गई, तो इसकी रैंक हो गई दो, और ये नॉन जीरो हुआ मतलब कोई वैल्यू हुई तो ये नॉन जीरो रो हुई पूरी इसके लिए, तो रैंक इसकी तीन हो गई, समझा कि नहीं, अब जो टाउ वैल्यू थ्री आएगी तो वो यहाँ थोड़ा जीरो करेगा, रख लो देख के देख लो, या रखते बना दें कितना आया, लास्ट सिचुएशन बना लेते हैं, हमने टाउ की वैल्यू तीन निकाली तो तीन यहाँ रख के देखते हैं, टाउ की वैल्यू तीन यहाँ रख दीजिए, देखिए क्या आ रहा, तो वन 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 और सिक्स आ गया, यहाँ टाउ यहाँ तीन रखोगे तो कितना वन आ जाएगा, और यहाँ माइनस सेवन हो जाएगा, और यहाँ माइनस 24 होगा कि नहीं, यहाँ जीरो जीरो ये जीरो जाएगा, और यहाँ पर यहाँ तीन रखोगे तो माइनस वन आ गया, माइनस वन तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 26 से 24 के प्लस हुआ तो माइनस टू हुआ, देखो कितनी जब टाउ की वैल्यू तीन रखी, तो देखो अब रैंक ऑफ ए कितनी आई, अरे भैया रैंक ऑफ सी कितनी है, बोलो टू है, तुम अगर टू और थ्री के चक्कर में, रैंक ऑफ ए कितनी है, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए
रैंक ऑफ सी, रैंक ऑफ ए, हाँ अब आगे लाइन पे, तो रैंक ऑफ सी कितनी है 3 और रैंक ऑफ ए, तो ये दोनों रैंक आपस में बराबर है। सिस्टम कैसा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन नहीं है, किस वैल्यू के लिए, टाउ की वैल्यू 3। तो अब ये अगर क्वेश्चन अगर आप उसमें लगाएंगे क्रैमर रूल से तो हो सकता है कि आपको क्या दिक्कत आने पड़े, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजीली लग जाते हैं, ठीक है, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो हमारे रैंक मेथड से, ठीक। तो रैंक मेथड सबसे अच्छा है, इसको ही आपको फॉलो करना, ठीक है। थोड़ा सा लगता है आपको, आपको लगने लगता है कि ये पता नहीं। अब देखो कितने स्टेप लिए हमने, 1 2 3 ही तो लिए बेसिकली, देखा जाए 3 स्टेप लिए, मगर आपको यहाँ लगने लगा पता नहीं कैसे हो गया, आप छोड़ दोगे और फिर ये जीरो कैसे बनाएंगे, जीरो कैसे बनाए समझाए। अब आप जब हंसी करवाने लगे इससे, तो हमने बात इसलिए मानी कि लैम्डा के टर्म में जब आएगा ही नहीं तो लैम्डा की वैल्यू कैसे, टाउ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसे जब हंसी क्या किया आपको दिखाया कि, तो अब ये ठीक, जब एक दो बार ऐसे कर लेंगे प्रैक्टिस तो आपको समझ आने लगा कि वो उन्हें भाई क्वेश्चन सेट करके दिया है कि वो जो वैल्यू आएंगी तो वैल्यू आराम से सॉल्व होंगे। देखो आराम से कहीं भी आपने कैलकुलेशन किया, कहीं भी फ्रैक्शन या कुछ भी आया, कहीं भी अगर आप क्वेश्चन अगर एग्जाम में सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन या ऐसा आने लगा जो कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा, तो इसके मतलब क्वेश्चन के गलत अप्रोच पे जा रहे हैं। लगेगा कैलकुलेशन टिपिकल, मगर उन्होंने पूरा सॉल्व किया है, आराम से इजीली वो कटेगा, ठीक है। ठीक, अगर ऐसा आपने कोई स्टेप लिया और वो कुछ क्या हो रहा, उटपटांग वैल्यू आ रही, इसका मतलब फिर क्या है, गलत हो गया, ठीक। कर देना, बट वही है ना कि कर पाओ, लोग करने लगो इधर से उधर कर दोगे, ठीक है। कर जब ऐसा करोगे तो वैसे हिसाब सीख जाओगे, उसको इकनल नहीं कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक फॉर्म होती है कैनोनिकल फॉर्म। इकलन फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, इकलन फॉर्म में हम लोग अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बना देते हैं, क्या बना देते हैं, तो ये सारे पाइवोटिंग कर देते हैं। कैनोनिकल फॉर्म क्या करती है, ये वाले एलिमेंट छोड़ती है, यहाँ पर भी जीरो बना देती है और यहाँ पर भी जीरो, तो यहाँ पर जीरो तो रो ऑपरेशन है और यहाँ जीरो कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। तो रो कॉलम ऑपरेशन जब करोगे, ठीक है, तो आपको क्या स्केलर मैट्रिक्स मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी। अब जब स्केलर मैट्रिक्स होती है रैंक उतनी होती है, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जैसे 1 0 0 1, तो इसकी रैंक कितनी है 2 है, मतलब इसकी रिड्यूस नहीं कर सकते हो आप, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अब इसकी रैंक कितनी है, हाँ अब ये रिड्यूस नहीं होगी, कुछ भी कर लो आप उल्टे हो जाओ फिर भी कितनी रहेगी, ठीक है। इस अब ये जिद्दी दाग है, ये हटेंगे नहीं अब, ठीक, समझा कि नहीं। तो इसीलिए ये कैनोनिकल फॉर्म, तो इसलिए जब इससे हमें पता चल जाता है तो अननेसेसरी हम क्यों ऐसा करें, इधर भी जीरो बनाए उधर भी बनाए, डबल काम करें, आएगा क्या भाई। तो अपट तो ये ज़्यादा अच्छा है कि नीचे वाले जीरो बना लीजिए या ऊपर वाला बना लीजिए, ठीक है। ऊपर जीरो बनाओगे तो क्या करना, ये वाले जीरो किससे बनेंगे, कॉलम ऑपरेशन से, कैसे, और ऐसे जीरो बनेंगे रो ऑपरेशन, तो ऐसे ऑपरेशन कर रहे हो तो मतलब ऊपर जीरो बना रहे हो और ऐसे ऑपरेशन कर रहे हो तो आप तय कर लीजिए कैसे बनाने, ठीक। इसलिए कैनोनिकल फॉर्म जो है कम प्रचलन में आया, मतलब ट्रेंड में, और इकलन फॉर्म भी सबसे आगे बढ़ा, क्योंकि इकलन फॉर्म से निकल जाता है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोग जो कल बताया था, डाउट है उसमें क्यों, आज बताने के बाद सारे क्वेश्चंस मतलब मैक्सिमम हो जाएंगे, केवल आइगन वैल्यूज बचेगी आज के लेक्चर से, केवल आपको बस आइगन वैल्यूज का ही बचेगा, बाकी सारी चीज़ें मतलब हम लोग कर चुके हैं। एक लेक्चर और लेंगे उसके बाद मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो जाएंगे, फिर आपको प्रैक्टिस करनी होगी, फिर हम लोग असाइनमेंट एक दिन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जो पीछे का जो चीज़ है कल जो बताया गया था उसमें कोई डाउट है उसको आगे बताना है या उतने में आ गया था समझ में, होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस बताना है कि हो गया था उस समझ में, आगे ना सारी बातें, ठीक। अब देखिए कोई सिस्टम आप लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम आपने कंसिडर किया a1x + b1y + c1z = d1 और a2x + b2y + c2z = d2 और a3x + b3y + c3z = d3, ओके। कल हम इंट्रोडक्शन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का देख चुके हैं, ठीक है, उन सारे बातों को
जो जुड़ी हुई टर्म होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल लीनियर इक्वेशन क्या होती है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं क्यों उनको ऐसा कहते हैं इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आपको अगर कोई डाउट है तो आप पहले वाले ठीक है क्लास सेक्शन को आप देख सकते हैं। ठीक इसको हम लोग ए एक्स बराबर बी इस सिस्टम को कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है किसी भी चीज़ का नाम दिया जाता है तो नाम इसलिए दिया था कि हम लोग आसानी से सहज तरीके से आम भाषा में चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है हर चीज़ का नाम लैपटॉप मोबाइल कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं बुक्स सबका नाम होता कि नहीं। ठीक है ऐसे ही यहाँ पर भी हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ठीक है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये इसमें है क्या ये सारी मैट्रिक्स हैं क्या हैं ए मैट्रिक्स कैसे ली जाएगी ध्यान देते हैं जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है ठीक है उसके को एक्स वाई जेड जो वेरिएबल है जो अननोन है जिनके हमें वैल्यू निकालनी है जो वही सोल्यूशन बनेंगे जो उनके कोफिशेंट्स हैं तो यहाँ पे कोफिशेंट क्या हैं ए वन बी वन और सी वन यहाँ पे क्या हैं ए टू बी टू और सी टू यहाँ पर क्या हैं ए थ्री बी थ्री और सी थ्री। मैट्रिक्स ए क्या है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ठीक है जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ली गई हैं उनके कोफिशेंट से बनी हुई मैट्रिक्स। ठीक है यहाँ पर जो हमारी एक्स एक्स भी एक मैट्रिक्स है यहाँ पे जो ए एक्स बराबर बी सिस्टम को रिप्रेजेंट किया गया एक्स है तो यहाँ पर भी अननोन जो लिए गए तो क्या अननोन लिए गए वेरिएबल एक्स वाई और जेड। ठीक है एक्स वाई और जेड ठीक और बी मैट्रिक्स जो है हाँ जो कॉन्स्टेंट असाइन किए गए हैं तो यहाँ पर देखिए इस वाले एक्सप्रेशन को डी वन के बराबर दिया गया तो डी वन डी टू और डी थ्री। ठीक है ओके इसको एक एग्जांपल से हम लोग और सहज तरीके से सीखते हैं कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया गया थ्री एक्स माइनस वाई प्लस फोर जेड बराबर टू एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड बराबर थ्री और एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर टू अगर ऐसे लिया गया ये कंसीडर किया गया कि सिस्टम है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जो ए होगी वो मैट्रिक्स कैसे लेंगे थ्री माइनस वन और फोर वन माइनस वन और टू वन वन और माइनस वन जो हमारी एक्स होगी वो भी क्या होगी एक्स वाई जेड और जो हमारा कैपिटल बी जो होगा वो हमारा होगा टू थ्री टू। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोगों ने एज ए ट्रांसफॉर्म कर दिया इस फॉर्म को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए मतलब हम लोग अब क्या है हमेशा इसको ए एक्स बराबर बी के फॉर्म में देखेंगे बात समझ रहा कि नहीं। तो इसका ट्रांसफॉर्म कर दिया क्या कर दिया ट्रांसफॉर्म कर दी उसी चीज़ को उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन किया। ठीक तो इसीलिए ये मैट्रिक्स का एप्लीकेशन है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को और सहज तरीके से सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर पाएँ। जब भी हमने देखा कि जब x प्लस वाई बराबर टू टू एक्स प्लस वाई बराबर थ्री अगर इस टाइप की इक्वेशंस आती थी तो बहुत आसानी सॉल्व कर लेते थे जब ऐसी आती थी तो हम लोग क्या करते थे पहले यहाँ से x हटाते थे फिर आगे जाके y हटाते थे z की वैल्यू आती थी उसको फिर y प्लस जेड वाले में रखते थे वो फिर y और z की वैल्यू कहाँ यहाँ रखते थे तो ऐसा होता था नहीं। अब मान लो ये तीन ही इक्वेशन है अभी 10 हो जाए तो हम कर पाएंगे हाँ तो सिंपल करने के लिए बहुत समय चाहिए। ठीक है तो n इक्वेशंस क्यों ना आ जाएँ मैट्रिक्स के इस मेथड से हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सिंपली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है तो सबसे अच्छा यूज़ है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में मैट्रिक्स में स्टडी करना। ठीक है ये एप्लीकेशन हो गई। अब देखिए अगर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया अगर इसको ए एक्स बराबर कैपिटल ओ दैट इज़ नल कैपिटल ओ मतलब नल अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया तो ये इसको क्या बोलेंगे बोलो क्योंकि ए एक्स बराबर नल है और नल में मतलब एक मैट्रिक्स होगी सारे एलिमेंट क्या होंगे जीरो जीरो जीरो। अब जीरो जीरो कब होंगे ये बी मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स कौन सी वैल्यू का अरेंजमेंट है इन वाली वैल्यू उसका कांस्टेंट जो असाइन किए गए वो कौन से सारे क्या हो गए जीरो। तो अगर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ध्यान दें ए एक्स बराबर बी है अगर पहला केस इट इज नॉन होमोजीनियस अगर बोला गया कि ये नॉन होमोजीनियस है तो कब होगी जब बी नॉट इक्वल्स टू नल बी नॉट इक्वल्स टू नल नल का मतलब होता है कि सारी एंट्री जीरो और नल ना होने का मतलब कोई भी सारी हो जाए नॉन जीरो या कोई एक हो जाए
तो अगर बी नल नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, नॉन होमोजीनियस। अगर बी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स के बराबर है तो क्या हो जाएगी, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंपल फॉर्म में। ठीक है, हम एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस। समझ आई बात कि नहीं, इतनी बातें आपने ध्यान दे दी। ठीक, तो अब हमने ए एक्स बराबर बी वेयर ठीक एक सिस्टम ने कंसीडर किया, सिस्टम अब जैसे अब ये लिख दिया गया, इसका मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कंसीडरेशन हो चुका है। और बी जो है वो नल है या नहीं है, वो नल है या मतलब नहीं है या है, नहीं है तो मतलब होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस। हाँ, तो जो भी हम लेने वाले हैं वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कंसीडर कर लें। अब उसके हम लोग सोल्यूशन ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, सोल्यूशन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक सी मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, ए कॉलन बी, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, कैसे इसको बनाएंगे, जैसे पीछे वाला एग्जांपल अगर लें तो उसको आप बोलते रहेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे एक ही अरेंजमेंट में हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया। कैसे, ये ए मैट्रिक्स है, ये सेपरेशन में बी मैट्रिक्स है, ये ए है, ये सेपरेशन किससे किया गया, कॉलन से। कैसे किया गया, तो अब जैसे हमने वहाँ पर इस साइड में जो एग्जाम्पल लिया था उस एग्जाम्पल की एंट्रीज को देखते हैं। वहाँ पर एक मैट्रिक्स क्या थी, कि पहली रो क्या थी, कोफिशियंट क्या थे मैट्रिक्स ए में, नंबर्स क्या दिए गए, 1 1 1 1, अब 2 -1 1 1 2 -1। हाँ, तो जो पीछे वाले एग्जांपल में जो हमने x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और यहाँ पे 2x - y + z, यहाँ पे x + 2y - z ऐसे लिया था। अब इक्वल टू क्या है, पहले वाले में इक्वल टू क्या है, 1, दूसरे वाले में इक्वल क्या है, तीसरा इक्वल क्या है, ठीक। तो हमने बस केवल क्या है, वेरिएबल को नहीं दिखाया, क्या नहीं दिखाया, क्योंकि वेरिएबल का हम ही नहीं पता है, x, y, z है। वेरिएबल क्या है, x, y, z, x1, x2, x3 है। ठीक, हमने दोनों को जिनसे काम है, ठीक, एक ही मैट्रिक्स में बन रख लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसी पे हम लोग बात करेंगे। ठीक, लिख लीजिए, ओके। सिस्टम को हमने पहले देखा कि सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखा कि नहीं देखा। ठीक है, ए एक्स बराबर बी, अब यह ध्यान देते देंगे हमेशा कि बी नल है या नहीं है, नल नहीं है तो नॉन होमोजीनियस और नल है तो होमोजीनियस। अब हमने कंसीडर किया सिस्टम की नॉन होमोजीनियस है। अब हमने दोनों तीन मैट्रिक्स थी उनमें से एक मैट्रिक्स जो वेरिएबल की थी, जो अननोन की थी x, y, z, उसको हटा के एक नए तरीके से रिप्रेजेंट करना सिखाया। ठीक है, कि आप दोनों एंट्रीज को कॉलन से सेपरेट करके आप एक जगह रख सकते हैं। ठीक है, सेपरेशन बनाया के रखा है तो इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है जो असाइन किए गए थे और ये हमारी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल की मैट्रिक्स है, उसको एक जगह रखा, उसको नाम दिया सी, सी इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी, नहीं आई, बोलिए। अब इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक, और उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक, तो अब इस मैट्रिक्स का हमने कंसीडरेशन किया और हमें रैंक फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, रैंक फाइंड करनी है। तो जिन्होंने भी अगर रैंक फाइंड करना नहीं जानते हैं तो वो यहाँ ध्यान देते रहेंगे कि रैंक कैसे फाइंड की गई थी, हम लोग पूरा एकदम हर एक स्टेप को डिस्कस करेंगे। ठीक, एक मैट्रिक्स हमने ले ली, उसकी पहली रो ये है, दूसरी रो ये, तीसरी रो ये है, ये कॉलम है। ठीक है, तो तीन रो हैं और कॉलम कितने हैं, 4। यहाँ पे कॉलम से सेपरेटेड है तो मतलब ये एक अलग हिस्सा है और ये एक अलग हिस्सा, बट वो साथ साथ क्या है, साथ है, इसको सेपरेट कर दिया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इक्लन फॉर्म में ला के जाते हैं, मतलब 0। एग्जाम्पल में जैसे 2, 3, 4, 0, 2, 5, 0, 0, 4, तो यहाँ पर क्या करेंगे, या इक्लन फॉर्म, या इक्लन फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे जैसे रो वाइज नीचे जाएं तो नंबर आप जीरोस बढ़ने चाहिए, यहाँ पे एक भी नहीं थे, यहाँ पे एक हुआ, यहाँ 2। ठीक है, नॉन जीरो से पहले की वो जीरो काउंट करेंगे, जैसे ऐसे अगर ऐसे नहीं यहाँ पे लिया 2, 3, 4, 0, 2, 5 और 0, 1, 0,
तो यहाँ नंबर आप जीरो कितने हैं, वन, यहाँ नंबर आप जीरो टू नहीं है, यहाँ पे काउंटेबल में क्या है, वो सारे जीरो जो किसी नॉन जीरो से पहले आए, तो यहाँ पर देखो नॉन जीरो से पहले कितना है? एक ही आए, तो अब ये बढ़े नहीं, तो हमें किसी तरीके से यहाँ पे बढ़ाना है, हैं? जैसे हम नीचे रो वाइज नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ जीरोस बढ़ने चाहिए, बट वो जीरोस जो नॉन जीरो से पहले वाले हों, ठीक है? तो अब हमें इसको इसकी हेल्प से इसको जीरो बनाना होगा, क्या बनाना होगा, तब हम काउंट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर अभी काउंटिंग में ये हटाना होगा, ठीक, बात समझ रहे कि नहीं? जैसे यहाँ पर कोई लिख दिया किसी ने कि इसको ऐसे लिखा 2 3 4 0 1 2 0 1 0, यहाँ पे 0 0, यहाँ लिखा है 0 और तो देखो अब यहाँ पर ये इक्वलेन फॉर्म में नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो तो एक भी नहीं, ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ जीरो टू है और यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, वन है, तो हमने बोला जैसे नीचे जाएंगे तो जीरोज की संख्या बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए, यहाँ एक भी नहीं थे, यहाँ दो हुए तो यहाँ तीन होने चाहिए कम से कम, ठीक है, जबकि हो क्या गए, एक, नॉन जीरो से पहले, नॉन जीरो से पहले, ठीक। तो ये वाली अभी इक्वलेन फॉर्म में नहीं आई, ये वाली भी इक्वलेन फॉर्म में नहीं आई, ये वाली इक्वलेन फॉर्म में है, ठीक। अब हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से जीरो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखते हैं, हम लोग इस वाले एलिमेंट पे टारगेट करेंगे, इस वाली एलिमेंट की हेल्प से इसको और इसको हमें जीरो बनाना है, क्या बनाना है, वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। तो यहाँ वन है तो अच्छी बात है, कोशिश करते हैं कि यहाँ पे वन रहे, नहीं होता है तो हम लोग या तो रो को इंटरचेंज करते हैं या किसी भी नंबर सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे टू, रो टू में, तो रो टू में लगाएंगे तो रो टू माइनस टू आर वन, ठीक है, और रो थ्री में लगाएंगे तो रो थ्री में रो थ्री माइनस आर वन, ठीक है, बात समझ रहा है कि नहीं? तो ये दोनों ऑपरेशन हमने लगाए, ठीक। अब देखो मैट्रिक्स क्या होने वाली है उसको हम देखते हैं, पहली वाली रो में हमने कुछ भी नहीं किया, वन 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 और कॉलन वन रहेगा, पहली वाली रो में दो का मल्टीप्लाई किया है फिर दूसरी वाली रो से घटाया है, तो जब दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ज़ीरो, यहाँ पे दो का मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे घटाएंगे, माइनस वन से माइनस दो घटाएंगे तो कितना आएगा, फिर इसमें फिर दो, देखो दो का मल्टीप्लाई पहले वाले रो में मतलब सारे एलिमेंट में किया है, फिर उसके बाद दूसरी रो से घटाते हैं तो टू को वन से घटाएंगे माइनस वन, कॉलन के बाद वो ऑपरेशन देखो यहाँ पर भी चलेगा, तो ये रो का ही एलिमेंट है बट सेपरेशन है, ऑपरेशन यहाँ पे भी फॉलो होगा, टू किया गया टू से टू घटाएगा तो कितना आ गया, ज़ीरो, ठीक है, यहाँ पर लेगा। अब तीसरी वाली रो में भी देखो ऑपरेशन लग रहा है, तीसरी वाली रो को सिंपली फर्स्ट वाली रो से घटा देना है, तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ज़ीरो, यहाँ घटाएंगे कितना आएगा, वन, यहाँ घटाएंगे कितना आएगा, माइनस टू, और कॉलन कितना आया, टू, ये सारी चीज़ें आएगी नहीं, बोलिए। तो देखो हमारे पाइवोटिंग हुई, इसको क्या बोल रहे हैं, पाइवोट, क्या करना, पाइवोट करना कि मतलब अनइम्पॉर्टेंट एलिमेंट को जीरो कर दिया, ठीक, इसकी हेल्प से। अब हमें यहाँ पर जाना है, इसके नीचे वाले को क्या करना है, ज़ीरो बनाना है, इसकी हेल्प से, दूसरी रो की हेल्प से। तो हम लोग क्या करें, सिंपली तीसरी रो में, तीसरी रो के इसको क्या वन थर्ड कर दें, क्या कर दें, और जोड़ दें प्लस वन बाई थ्री आर टू, ठीक है। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, देखिए इक्वलेंट टू वन 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 वन, यहाँ पे क्या आया, ज़ीरो माइनस थ्री माइनस वन और ज़ीरो, यहाँ पर आया ज़ीरो। अब देखो यहाँ पे वन बाई थ्री किया, क्या किया, तो वन बाई थ्री डिवाइड किया तो माइनस वन आ गया, इसको इससे ऐड करेंगे, वन बाई थ्री आर टू को आर आर थ्री से ऐड करेंगे तो ये अब जीरो बन जाएगा। अब देखो यहाँ वन बाई थ्री किया तो माइनस वन बाई थ्री, माइनस वन बाई थ्री को माइनस टू से ऐड करोगे तो टू प्लस वन बाई थ्री, सिक्स प्लस वन सेवन बाई थ्री, माइनस का सेवन बाई थ्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहाँ सेवन बाई थ्री माइनस का हो गया। ऐसे यहाँ पे, यहाँ पर वन बाई थ्री करने पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो में वन बाई थ्री मल्टीप्लाई करने पर जीरो हुआ है, जोड़ने पर कुछ नहीं तो टू आ गया। अब देखिए हमारी इक्वलेन फॉर्म में मैट्रिक्स आ गई, यहाँ से हम लोग सोल्यूशन तय कर सकते हैं। देखो ये प्रोसेस हमने बताया है, इसको हम एक बार ही बताने वाले हैं, बाकी हम लोग अभी एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से बताएंगे कि सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, सोल्यूशन होंगे फिजिबल होंगे या नहीं होंगे,
ठीक है, पॉसिबल है या नहीं है, कितने होंगे, वो हम लोग आप किसी क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस पूरा नहीं करने वाले। तो एक क्वेश्चन पूरा डिस्कस इसलिए किया कि लास्ट फॉर्म में अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में कैसे लाएंगे, ये प्रोसेस आपको हर जगह लगाना होगा, ठीक है, ओके। ये बात समझ आई कि नहीं, कहीं भी कोई दिक्कत है? जैसा रैंक में हमने निकाला था, रैंक मैथ में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स चेंज की थी, पूरा वही है, बस क्या करना है सेपरेट करके, तो है कुछ नहीं, बस एलिमेंट बढ़ गए, सपोज एलिमेंट क्या रो में एक और बढ़ गया, इतना हटा दें। अब हम लोग अपने आपसे कंसीडरेशन करेंगे कुछ मैट्रिक्स का, ठीक है, अब बताएंगे कि कैसे सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे या नहीं होंगे, कब यूनिक बनेंगे कब इनफाइनाइट, मतलब हम अपने आप से एग्जांपल क्रिएट कर रहे हैं, आपके साथ वो सिचुएशन आएगी, ठीक। एक पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, कुछ एग्जांपल हमने लिए, हमने बोला कि इन ये एग्जांपल आए कैसे, इनसे आपको लेना देना नहीं है, सॉल्व करने के बाद इस सिचुएशन में आप होंगे, हमने लास्ट की सबसे लास्ट में जब रिड्यूस करके बताया था, तो ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ बनेगी, ठीक है, तो आप उसमें तय करना होगा कि किस तरीके से सोल्यूशन निकाले जाएंगे। तो आप यहाँ देखें, जो इतना पार्ट है मैट्रिक्स ए है, इतना पार्ट क्या है, और ये बी पार्ट है, बी पार्ट है, और ये क्या है सी, ठीक है, ये क्या है मैट्रिक्स सी है कि नहीं, ये पार्ट क्या है ए है, और ये क्या है बी, ठीक। जब भी सी की बात करेंगे तो होल सिस्टम की बात करेंगे, सी की ना, अगर ए की बात करेंगे तो इतनी बात करेंगे, ठीक, ओके। अब हमें रैंक तय करनी है, क्या करनी है तय, जब भी आप सब रैंक में बताया गया था, मैं दोबारा फिर से डेफिनेशन को रिपीट करता हूँ कि रैंक नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो, जितनी भी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो होंगी वो मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो, बसरते मैट्रिक्स इक्लन फॉर्म में ऑलरेडी आ चुकी हो। इक्लन फॉर्म में आने के बाद नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो ही क्या होगी, रैंक होगी, ठीक, और वो इक्लन, तो सारी जो ली गई वो सब इक्लन फॉर्म में है। देखो आप जब भी आप नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बढ़ेंगे, जितनी भी ली गई हैं सब में इक्लन फॉर्म बनाया गया, इधर देखो जीरो इधर उधर बनाया गया, जैसे कन्फ्यूजन वो भी हट जाए। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि रैंक ऑफ सी कितनी है, नंबर ऑफ, मतलब पूरे सिस्टम को देखना है हमें, तो ये जीरो रो है कि नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो एक हो गया, ये भी नॉन ज़ीरो ज़ीरो, और ये तो एक दो तीन, तो रैंक कितनी सी की हो गई। और रैंक ऑफ ए देखेंगे, रैंक ऑफ ए मतलब हमें इतना देखना है, इतने पे ध्यान देंगे, ये रो या जीरो या नॉन ज़ीरो, हाँ ये नॉन ज़ीरो, क्योंकि दो जीरो थे तीसरा नॉन ज़ीरो था, तो इसकी रैंक कितनी हुई, एक ही तीन हो गई, ठीक है। यहाँ पे रैंक ऑफ सी और रैंक ऑफ ए, एक दो तीन, सी की रैंक तीन है ना, ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, थ्री हो गए। रैंक ऑफ ए इसकी एक दो तीन, यहाँ देखेंगे रैंक ऑफ सी एक दो और तीन, बोलो इसको इस रो को गिने कि नहीं गिने, रो तो है पर ये ज़ीरो रो है कि नॉन ज़ीरो, ये ज़ीरो रो है कि नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो, हाँ, तो रैंक गिनने के लिए रो की काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, रो यहाँ पे तीन है, नॉन ज़ीरो रो काउंट कर रहे हैं, तो ये नॉन ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो है, ये रो जीरो है कि सारे एलिमेंट क्या हैं ज़ीरो हैं, तो नॉन ज़ीरो रो कितनी दो हुई, तो रैंक ऑफ सी कितनी हुई टू, रैंक ऑफ ए जब निकालेंगे तो यहाँ कितनी आई एक दो, ये आई तो कितनी आई टू आई, ठीक। यहाँ देखेंगे रैंक ऑफ सी कितनी आई वन, रैंक ऑफ ए वन आया, ठीक है, ओके। यहाँ पर रैंक ऑफ सी कितना आया, बोलो, ये नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो है, है ये क्यों यहाँ ज़ीरो ज़ीरो है, बट ये कैसा है, अब सी की रैंक निकाले तो ये सबको देखना पड़ेगा, थ्री हो गया। रैंक ऑफ ए
फ्री है, देख लेते हैं ये जीरो है या नॉन जीरो, ये इसको लेंगे कितनी है, रैंक ऑफ सी कितना है, एक, ये है बोलो, इसको ऊपर नीचे लिख सकते हैं हम लोग, हाँ तो ये है ये नहीं है, ये है टू, और रैंक ऑफ ए बोलो एक वन, ठीक। देखो हमने यहाँ पर पांच क्वेश्चंस के एग्जांपल्स दिए, फाइव, और फाइव क्वेश्चंस में हम लोग तीन कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट क्या है कि रैंक ऑफ सी बराबर रैंक ऑफ ए हुआ, बेशक हुआ, और वो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है। बोलिए जा, एक जगह ऐसा कहाँ पर एक है कि रैंक ऑफ सी रैंक ऑफ ए के बराबर तो है, मगर नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे पता लगे नहीं जान रहे भाई, अननोन कितने थे, अननोन कौन कौन से, एक्स वाई और जेड, तीन रो हैं, इसका मतलब तीन अननोन है ना, एक्स वाई जेड। तो रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी के बराबर है और नंबर ऑफ वेरिएबल यानी कि वो तीन के बराबर है, कितने बराबर है, तीन। यहाँ रैंक ऑफ सी और रैंक ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, ऐसा भी हुआ होगा, और एक जगह ऐसा होगा कि रैंक ऑफ सी रैंक ऑफ ए के बराबर ही नहीं है, तो आप वो नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या मतलब है, बराबर ही नहीं। तीन सिचुएशन है, हम नंबरिंग कर देते हैं, इसको बोलते हैं वन, इसको बोलते हैं टू, इसको थ्री, इसको फोर, इसको फाइव और इसको सिक्स, नंबरिंग हमने आपके सामने कर दी। अब आपको बताना है कि कौन सा एग्जांपल कहाँ पर, हाँ सो जाओ ठीक, कौन सा एग्जांपल कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये वाला कौन सा फॉलो कर रहा है, ये वन है, ये फोर है, ये सिक्स है, ये फाइव है, ये थ्री है, ये टू है, तो कौन से वाले पे ये हो रहा है, जो हमने सिचुएशन ली है, जो एग्जांपल्स लिए हैं उसमें से किस पे फिट बैठ रहा है ये, हाँ क्वेश्चन नंबर टू पर और क्वेश्चन नंबर थ्री पर, इन दो क्वेश्चंस पर ये अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए है, अरे हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, कहाँ हुआ, हाँ इन क्वेश्चंस में, ठीक है। ये वाली सिचुएशन कहीं अराइज हुई कि रैंक ऑफ सी और रैंक ऑफ ए बराबर हो, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो, बताइए कहाँ पर हो रही है, हैं फाइव और नहीं हो रही, बताइए इसमें लेंगे, रैंक ऑफ सी और रैंक ऑफ ए बराबर है मगर वो कितनी है, तीन के बराबर है, तो वेरिएबल कितने हैं, तीन, तो ये वाली हमने बोला वेरिएबल से कम हो और नंबर ऑफ वेरिएबल बताते चले कि नंबर ऑफ वेरिएबल, भैया देख लो जान लो तुम समझ, कोई नई स्टैंडर्ड बात बता दें तो तुम जाले, रिकॉर्डिंग हो रही है, अच्छा चलो तीन है, नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है, तीन है, नंबर ऑफ वेरिएबल एक्स वाई जेड क्या है, तीन है, ठीक है। तो कौन सी इसमें कौन सा आ रहा है, हैं अरे पाँच, पाँचवा और छठा क्वेश्चन नंबर है कि वैल्यू है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर सब लोग ध्यान से देखें, मुझे नहीं किसको, हाँ क्वेश्चन को देखिए, पांचवा और छठा क्वेश्चन इस बात को सेटिस्फाइड कर रहा है, कहाँ गया पांचवा, ये देखो रैंक सी भी वन है और रैंक ए भी वन है, बट नंबर ऑफ वेरिएबल तीन है तो वो रैंक तीन नहीं है, इसलिए क्या है छोटी हो गई। यहाँ पर क्या है, रैंक ऑफ सी और रैंक ऑफ ए बराबर है बट नंबर ऑफ वेरिएबल कितने, तीन होने चाहिए, उससे कम है कि नहीं, बोलिए। तो अब इस वाले में क्या बचा, कौन किस में फॉलो हो रहा है, ये वन और फोर, इन क्वेश्चंस में रैंक ऑफ सी बराबर रैंक ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पर इन क्वेश्चंस में नंबर ऑफ दिस, ये क्वेश्चंस क्या है, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं और ये वाले क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। दुनिया में जितने भी सिस्टम और लीनियर इक्वेशन होंगी ये तीन ही कॉन्सेप्ट फॉलो होंगे, ये छोटी सी बात हो गई कि बड़ी सी, बड़ी सी, मगर आप ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है।